नमस्कार दोस्तों, भूपेन्द्र सिंह आप सभी का फिर से एग्जाम गुरु में स्वागत करता हूं। दोस्तों, नेताजी शिक्षक भर्ती के संदर्भ में बहुत बड़े अपडेट लेकर आए हैं। दोस्तों, आप सभी को बता चले कि आज पूर्व दिन घमासान सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट में घमासान सुनवाई चली और सुनवाई के साथ साथ में अब सुनवाई समाप्त हो चुकी है। सुनवाई में क्या तथ्य निकल कर सामने आए वो सब आप सभी को हम बताते हैं। जैसे कि आज सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के साथ साथ में शिक्षा मित्र बीटीसी और बीएड के सभी वकीलों ने अपना अपना पक्ष इसमें रखा और जो ऐश्वर्या भाटी मैम हैं उन्होंने अपने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि हमारे पास में 51,000 और अन्य शेष पद हैं जो कि हम शिक्षा मित्रों को अगली भर्ती करके शिक्षा मित्रों को इस अन्य भर्ती में शामिल कर सकते हैं और हर साल हमारे पास 10,000 सीटें खाली होती हैं। उसी के साथ साथ में आप सबको बता चलें कि जो हरीश सालवे सर हैं जो कि बीएड की तरफ से थे, उन्होंने 60-65 जो कट ऑफ था उसको पूरा समर्थन करा, मतलब उसको सही ठहरा गया और जो समय समय पर जो भी परिवर्तन हो रहे हैं वो सभी को कोर्ट को अवगत कराया गया। और उसके साथ में जो अन्य वकील थे उन्होंने को भी सभी को सम्मिश्र पूरा करने के लिए समय समय दे दिया। आप सबको बता चलें कि जो कोर्ट ने कहा है कि आप 3 दिन में आप सिंगल बेंच और डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट संबंधित जो भी सम्मिशन है आप 3 दिन में दे सकते हैं और 3 दिन और ऑर्डर को इसमें रिजर्व कर लिया गया है। और 3 दिन में सबमिशन में जो भी बातें महत्वपूर्ण होगी, चाहे वो शिक्षा मित्रों का वकील हो या बीएड की तरफ से हो या बीटीसी की तरफ से हो, और शीघ्र ही आदेश रिलीज होने की पूरी पूरी संभावना है। दोस्तों, ये केवल एक शॉर्ट में वीडियो है, इसका संपूर्ण विश्लेषण हम आपको अगली वीडियो में अवश्य लेकर आएंगे कि कोर्ट में आज पूर्व दिन क्या हुआ, किस वकील के द्वारा क्या क्या पक्ष इसमें रखा गया, पूरी उसकी संपूर्ण जानकारी हम अन्य दूसरी वीडियो में आप सभी के सामने प्रोवाइड अवश्य कराएंगे। जो भाई चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू। तो धन्यवाद। आप सभी का भूपेंद्र सिंह।